पहले तो मैंने सोचा इस दावत को रद्द कर दूं, क्योंकि जुलेखा की इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई के बाद तो इस महफिल में आना बजाते खुद रुसवाई है। लेकिन मेरे शोहर ने बहुत इसरार किया कि इस मजलिस में ज़रूर शिरकत करूं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन तजस्सुस मुझे यहाँ खींच लाया है। सोचा कि माजी के उस वाक़े के मुतालिक मज़ीद आगाह हो सकूं। भाई, मुझे तो सिर्फ जुजार सिफ के दीदार का इश्तियाक यहाँ खींच लाया है। मैं जानना चाहती थी कि वो जिसने जुलेखा को इस कदर अपना गर्विदा बना लिया है। तुम्हें कैसे मालूम कि जुजार सिफ इस दावत में आएगा? भी अगर फरार मुमकिन होता तो यहाँ से फरार इख्तियार कर लेता। इस शैतानी महफिल में शिरकत करना मेरे लिए नहायत तकलीफ देह है। मौजूद ख़वातीन और अशराफ ज़ादगान मिस्र, आज की इस मुनक़िदा महफिल में चाकू की तेज धार और नारंज का नरम और नाजिक छिलका हमारे माँ बहन फैसला करेगा। आप सब से गुजारिश है कि नारंज उस वक्त तनावुल फरमाइएगा जब मैं इशारा करूँ। ये एक मखसूस ज़ियाफ़त है जिसके नकाद की वजह बाद में मालूम हो जाएगी। मेहमानाने गरामी, अपने अपने नारंज तनावुल फरमाइए। युजार सीफ दाखिल हो। Thank you.
जवान है। इतना हसीन जवान मैंने कभी नहीं देखा। इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। वो गुलाम जिसे मैंने अपनी तरफ माइल करना चाहा, देख लिया आपने? मैंने बदी का इरादा किया लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की। आप लोगों ने तो सिर्फ उसे एक बार देखा और यूं अपने होश गंवा बैठी, लेकिन मैं तो उसे हर रोज देखती हूँ। हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। अगर आप लोग मेरी जगह होती तो क्या करती बताएं मुझे? वो आसमानी फरिश्ता है जिसने इंसानी रूप इख्तियार कर लिया है, शायद देवताओं में से एक है। गोया किसी आसमानी मखलूक ने जमीनी शक्ल अख्तियार की है। वो कोई नूरानी शख्सियत है जो जमीन पर इसलिए आया है ताकि लोगों को अपनी परस्तिश की तरफ माइल करे। ये इंसान नहीं, हुस्न का देवता है। खुदाओं की कसम जुलेखा हक बजानिब है, ये युदासी जिसे हमने अभी देखा कोई मामूली इंसान नहीं है। ये सब बेसरोपा बातें हैं। वो भी एक इंसान है हमारी आपकी। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ऐसे मलकूती हुसन वाले के लिए जिल्लत रुसवाई उठाना मेरी खता है? क्या आप अब भी मुझे इल्जाम देंगी और मुझे गुमराह समझेंगी? नहीं, हम इकरार करते हैं कि जुलेखा वाकई बेबस है और हम मिस्री खवातीन की नुकता चीनियाँ सरासर गलत हैं। बस यही साबित करना चाहती थी। खुदावंदा, तमाम गुनाहगारों की हिदायत फरमा और मुझे इन शयातीन के शर से निजात दे। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं।